योगग्राम से मैं आ गई हूँ योगपीठ और अभी रात के बज रहे हैं लगभग 8। कहाँ मुझे योगग्राम में ट्रीटमेंट लेना था और कहाँ मैं वेलनेस में आ गई हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये रूम ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। आपने टेंट कॉटेज देखा ना कैसा है, मैं आपको एक रूम का टूर करवा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी लगा हुआ है, डबल बेड है और ये अलमारी दिया हुआ है, मिरर भी है। टेंट कॉटेज में मिरर नहीं था, टीवी भी है। टेंट कॉटेज में टीवी नहीं था ना? नहीं था। ये है यहाँ पे देखिए मिनी फ्रिज है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये वॉशरूम भी अच्छा है, बढ़िया है। ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा टेंट कॉटेज से। हालांकि टेंट कॉटेज का जो बुकिंग था वो 5000 पर डे था, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 6000 पर डे। यहाँ पे रूम में छाता भी दिया हुआ है बारिश अगर होगा तो। टेंट कॉटेज में छाता नहीं था तो मैं छाता ले करके आई थी। टेंट कॉटेज में छाता है? अच्छा, अब टेंट कॉटेज में छाता मिलने लगा है, तो चलते खाना खाने के लिए भी। आज की हो गई है, देखिए मैं ये लपेट लगाई हूँ, पेट में मिला है। पिछले बार आई थी तो सीने में मिला था, इस बार पेट में मिला है और दोनों पैरों में मिला है। तो कौन कौन सी थेरेपी मिली है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन सी थेरेपी मिली है और आज का दिन कैसा गया। तो सबसे पहले मैं बताऊँ तो आज मन ही मन मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे और हस्बैंड भी बहुत अपसेट है वहाँ पे, कह रहे कि अगर तुम यहाँ होती तो बहुत अच्छे से हम लोग रहते, कहीं जाते घूमते फिरते, तुम यहाँ नहीं हो तो अकेला अकेला से लग रहा है। तो सुन करके मैं भी इमोशनल हो गई और वो भी थोड़े से अपसेट है। बच्चे भी रो रहे हैं और वॉइस मैसेज बार बार कह रहे हैं, मम्मी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप प्लीज आ जाओ, अभी आप क्या कर रही हो, कहाँ हो। क्योंकि वो लोग कॉल पे कॉल कर रहे थे तो सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उनसे अच्छे से बात कर सकूँ। इवन कि लाडो मुझे वीडियो कॉल भी की थी, मैं बात नहीं कर पाई। वो मुझे विश करने के लिए वीडियो कॉल की थी पर मैं बात नहीं कर पाई, तो वो रोने लगी कि मम्मी को बर्थडे विश करना था, बात नहीं कर पाए। सुबह बहुत बिजी शेड्यूल था पर मैं सुबह 9 बजे से जो यहाँ पे ऑफिस का जो टाइम मतलब काम होता है वो सब करते 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 ओपीडी वगैरह करते करते ही मेरा टाइम ऐसा बीता कि बच गए दोपहर के 1। उसके बाद मैं यहाँ आई, नहाई धोई, रेडी हुई और फिर मैं यहाँ से निकल गई 2 बजे। वहाँ पे जा करके चली गई जहाँ पे थेरेपी मिलती है, लेकिन 2:30 बजे से मिलती, पर 2 बजे गई थी। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में गई और मेरा थेरेपी 3 बजे से स्टार्ट हुआ, 4 बजे तक 1 घंटे के अंदर जो भी थेरेपी थी सब मिल गई। क्योंकि जहाँ भी जा रही थी सबसे पहले नंबर मेरा आ रहा था, क्योंकि सबसे पहले मैं लाइन में लगी थी, इसलिए मेरा फटाफट फटाफट मेरा 1 घंटे में सारी थेरेपी होगी। तो कौन कौन सी थेरेपी हुई वो आप जानना चाह रहे, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, पेट का हुआ ठंडा गर्म सेक, उसके बाद पेट में ये जो लपेट है वो डाला गया है, उसके बाद चेस्ट स्टीम दिया गया सीने में, और उसके बाद पैरों की मालिश होकर के पैर में लपेट दिया गया, और एक्यूप्रेशर बहुत अच्छे से दिया गया 15 मिनट तक दोनों हाथ में, बहुत अच्छा लगा एक्यूप्रेशर करा के, एक फीलिंग हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छी फील आई। आज की थेरेपी बस इतनी ही थी मेरी और सेकेंड हाफ की, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो पूरा ओपीडी में चला गया। जो भी यहाँ आता है ना पहला दिन तो बस भागम भाग ओपीडी यही सब में जाता है, थेरेपी शायद ही किसी को मिलता हो, लकीली मिलता हो, लेकिन नहीं मिलता है। कल हालांकि हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन कल क्या हुआ वो सब चीज़ें कभी और बताऊँगी, अभी मुझे सही समय नहीं लग रहा है। तो आज का दिन मेरा अभी तक ऐसा गया है। तो अभी बज रहा है लगभग शाम के 4:30 और आगे का समय कैसा जाने वाला है पतंजलि वेलनेस में, वो जानना चाहते हैं तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मुझे लग रही है गर्मी, एसी तो है लेकिन हाँ एसी में एसी नहीं चलाऊंगी, एसी मुझे सूट नहीं करता। एसी चलाने से ना मुझे ना खांसी स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों, पर एसी मुझे ना बिल्कुल सूट नहीं करता। फ़ैन का स्विच कौन सा है ये मुझे ही नहीं पता, फ़ैन का स्विच जब से आई हूँ ना फ़ैन का स्विच ऑन ऑफ मेरी फ्रेंड ही कर रही थी, इसीलिए मुझे नहीं पता फ़ैन का कहाँ से है, यहाँ से है क्या। ये 0 पे किया हुआ था, इसको मैं स्पीड में डाल देती हूँ 4 में। हाँ इसी का हवा सूट नहीं करता है। और यहाँ गर्मी बहुत है, मुंबई में तो ठंड थी, ठंड नहीं बारिश की वजह से। एक काम करती हूँ, ये जो लपेट है इसे मैं खोल लेती हूँ, ठीक है। ये है ना उलन लपेट है, इसमें बहुत गर्मी लगती है,
पैर में भी सेम ऐसे ही लपेट होता है। इसको मैं खोल देती हूँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। कॉटन वाला लपेट से बहुत गर्मी लग रही थी, फैन चल रहा है लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। काम करती हूँ मैं बाहर, थोड़ा सा घूम लेती हूँ, टहल लेती हूँ। आप लोग भी चलिए मेरे साथ टहलने के लिए, और आप लोग को मैं दिखाती हूँ पतंजलि योगपीठ कितना सुंदर है। ये है वेलनेस सेंटर का एंट्रेंस, और यहाँ पे है खूबसूरत सा फुहारा, और ये रिसेप्शन। मेगा स्टोर नीचे है, कैंटीन बीसी के नीचे है, और ये सब ब्लॉक यहाँ पे रहता है, ब्लॉक नंबर 1, 2, 3, 4, 6। तो मेरा तो 6 ब्लॉक है। अभी शाम का टाइम है, अभी फ्री हूँ तो मौसम के नज़ारे का लुत्फ़ उठा रही हूँ और अकेले घूम रही हूँ। मेरे साथ जो है वो योगा करने के लिए गई है, तो मैं उसको बोली कि मैं शाम का योगा अटेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा घूम लूँ फिर लूँ, क्योंकि मौका नहीं मिलता है ना घूमने का इस वजह से। तो यहीं पे मैं वहाँ पे बैठूँगी और बैठ करके सोच रही हूँ कुछ अच्छे से गाने सुनूँ। बर्थडे है और बर्थडे में तो सुना सुना सा लग रहा है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। फीका फीका सा बर्थडे गया है। हैप्पी बर्थडे टू यू दीप्ति, मैं खुद को खुद से विश कर लेती हूँ। ना अकेले देखे लोग ग्राउंड में बैठे हुए, कितने खूबसूरत लग रहा है ना। गार्डन है, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं, आप योग भवन में भी योगा कर सकते हैं, यहाँ ग्राउंड में भी कर सकते हैं। अगर मुझे योगा करना रहा शाम के टाइम पर, तो मैं प्रेफर करूँगी यहाँ गार्डन पर, यहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि योगा क्या करना वो तो मुझे मालूम है, जैसे मैं घर पर करती हूँ। हल्की हल्की बूंदी बूंदी बारिश हो रही है, ये तो अच्छा है, ये तो और बेटर है, अब मज़ा आ रहा है। हाँ, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई, बूंद बूंद नहीं है, बारिश स्टार्ट हो गई। थोड़ी सी भीग लूँ, भीग लेती हूँ और फिर से फुहारा का नज़ारा देख लीजिए। हाँ, अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर बैठ के गाने सुनना, कि अभी बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है, आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा, बस थोड़ी सी तो तेज़ है ही, बीमार पड़ जाएंगे। देखिए अब लोग है ना कुछ कुछ उठ के भागना स्टार्ट कर दिए, और जिसको हल्की बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे वो अंकल पीछे कर रहे हैं, मानना पड़ेगा ना, उसके लिए तो एक लाइक बनता ही बनता है। लेकिन भाग गए आधे से अधिक लोग, मुझे भी भागना चाहिए वरना मैं बीमार पड़ जाऊँगी, है ना। यहाँ बीमार पड़ने नहीं आया है, यहाँ तो ठीक होने के लिए आया है। तो चलते हैं, अब हमारा हो रहा है डिनर टाइम। तो आज तो ब्लॉग अच्छे से नहीं बना, क्योंकि आज पूरा दिन बिजी चला गया है, एडमिशन ये सब प्रोसेस में पूरा दिन चला गया है। खैर कोई बात नहीं, कल का ब्लॉग बहुत अच्छे से बनेगा। कल सुबह उठते के साथ लेकर के रात को सोने तक का मैं पूरा ब्लॉग आप लोगों को दूंगी, पक्का प्रॉमिस। तो फिलहाल आज का ब्लॉग फिनिश अभी नहीं करेंगे, डिनर में क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की ट्रीटमेंट होती है ना, तो लोगों को ना पेशेंट के जैसा ही खाना देते हैं। अधिक बात मैं बताऊं, चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ। कल रात को डिनर में मुझे मिलेगा सिर्फ सूप और एक फल, और कुछ नहीं मिलने वाला। और सुबह से मैं खाई हूँ सिर्फ 2 रोटी और कुछ नहीं, नाश्ता तो हुआ ही नहीं कुछ भी मेरा। ऐसा आज का दिन गया, कुछ भी नहीं, मैं डायरेक्ट 2 रोटी खाई हूँ। शाम के टाइम पर आधा गिलास जूस पी हूँ गाजर और बीट का, और अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ। और मेरा वज़न भी यहाँ आकर के 1.5 kg घट गया है, सोचिए 1.5 kg घट गया। 1.5 kg बढ़ाने के लिए कितना मेहनत किया, यहाँ के घट गया, तो ये थोड़ा सा मुझे अफसोस लग रहा है। ठीक है, तो चलते हैं डिनर करने के लिए और देखते हैं डिनर में क्या मिलता है। ये है कैंटीन, यहीं पे खाना पीना A to Z यहीं पे मिलता है, और बगल में पतंजलि स्टोर है। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्या मैं बताऊँ, पेट में ऐसे चूहे कूद रहे हैं ना। उससे ज़्यादा टेंशन तो मेरा वज़न जो घट गया ना उसको देख करके तो ऐसा टेंशन चढ़ा कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन क्या है कि मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड है उसका योगा भी चल रहा है, तो 7:30 बजे तक योगा चलेगा और 7 बजे से डिनर मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए लाइन लगी हुई है डिनर के लिए, तो मैं तो अकेले अकेले खाना खा नहीं सकती ना, उसका तो इंतज़ार करूँगी ही, तो मैं उसका इंतज़ार करूँगी। वो जब आएगी तो उसके साथ में खाना खाना चाहूँगी। इंतज़ार करते हैं, आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ अंदर बैठ गए कैंटीन के, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना, तो सब लोग भीग रहे थे, इसलिए भी लोग जल्दी आ गए कैंटीन में खाने के लिए। और कल एक्चुअली मैं शाम का योगा जानबूझ करके मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि सुबह सफिशेंट योगा कर लेती हूँ ना, तो मेरे लिए उतना सफिशेंट है। मेरी फ्रेंड को ज़्यादा ज़रूरत है सुबह शाम योगा करने का, इसलिए मैं दोनों टाइम योगा अटेंड कर रही हूँ। चलिए आपको दिखाती हूँ कि मुझे खाने में क्या मिला है। देख करके तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खाऊँगी, पर खाना तो पड़ेगा, नहीं खाऊँगी तो फिर चलेगा नहीं। दिखाते हैं खाने में क्या मिला है। ये है जौ का दलिया,
ये है दाल और ये कद्दू की सब्जी ऐसी लग रही है, और ये है सूप। बस ये है मेरा रात का खाना। तो समझ में नहीं आ रहा है, उसको टेस्ट पहली बार हम टेस्ट कर रहे हैं जो पता नहीं रहा। आज तो खाई हो, इधर से टेस्ट करके देखो समझ में आएगा। थोड़ा सा बताना, हम अपने बर्थडे के दिन ऐसा दलिया खा रहे हैं, कहाँ हस्बैंड बार बार हमको बोले कितना अच्छा होता है यहाँ रहते थे, प्रसाद हम जाते हैं वहाँ, प्रसाद एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाते हैं, और हम यहाँ पे खा रहे बिना नमक का है, इसमें नमक बिल्कुल नहीं है। क्यों मिला ऐसा? हमको नहीं पता क्यों मिला है ऐसा, इसमें नमक है कहीं से भी? बिल्कुल नमक नहीं है, बिना नमक का खाना खा रहे हैं। हो गया है रात का डिनर और अभी हो रहा है नाइट वॉक कह सकते हैं, क्योंकि कैंटीन से रूम तक आने में थोड़ा तो चलना पड़ेगा ही। और ये आ गया मेरा ब्लॉग। बैटरी गाड़ी चलती रहती है, चाहे तो इसमें बैठ करके भी लोग आ सकते हैं, मैं भी आ सकती हूँ, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं होगा, जिसको चलने में तकलीफ है उनके लिए सही है। है ब्लॉग नंबर 6 जो हमें मिला है। लाइट चल रही है, पता नहीं चल रहा है रात के अंधेरे में। खांसी हो गई है इसीलिए हम सारे प्रवाही लिए हैं, और इसको अब हम पीने जा रहे हैं, क्योंकि हम सुबह से खांसी से परेशान हैं, पियेंगे कैसे इसको, ऐसे ऊपर से पी लेते हैं। ये तीखा कब से हो गई ये सिरप? हाँ इतना ज्यादा तीखा पहले पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लास्ट टाइम तो बहुत पहले पिए थे, तो इतना तीखा ये। जब से घर से निकली हूँ तब से खांसी से परेशान हूँ, अभी रूम में पानी नहीं है, तो पानी लेके आना पड़ेगा, उसके लिए रूम से बाहर जाना है। यहाँ से पानी लेती हूँ मैं, ये मेरा रूम है और यहाँ से पानी लेना भर लिए, यहाँ से पानी। अब चलते हैं अपना रूम 6424। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसको इसमें गर्म करना पड़ेगा। पहली बार कैटल में पानी गर्म करी हूँ, आज तक पानी गर्म की नहीं।